इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर बी के मुरली द्वारा संचालित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल। महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। बिहार से आ रही बड़ी खबर के अनुसार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में बीते मंगलवार देर रात पीएमसीएच गार्डिनर और गर्दनीबाग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि दो अस्पताल में मरीज नहीं थे लेकिन डॉक्टर मौजूद थे। पीएमसीएच में हालात फिलहाल बहुत खराब है, वहाँ गरीब लोग इलाज कराने आते हैं और हमें देखना था कि वहाँ जमीनी रूप से क्या क्या दिक्कतें हैं। वहाँ दवा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी और हर चीज में लापरवाही पाई गई, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। सुबह की बड़ी सनसनीखेज खबर के अनुसार आज बिहार के सीवान में अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। वहीं यह खबर भी आ रही है कि इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम को सूचना मिलने के बाद यहां शराब के ठेके पर छापा मारने गई थी। इसके बाद जब पुलिस टीम जब वापस लौट रही थी तो कुछ अपराधियों ने इस टीम पर ताबड़तोब गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस घटक हमले में एक पुलिसकर्मी वाल्मीकि यादव की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में एक स्थानीय नागरिक के भी घायल होने की खबर है। सुबह की अन्य बड़ी खबर के अनुसार कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी का मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक रात 10 बजे डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर कट्टी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। इसके तत्काल बाद उन्हें एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बता दें कि उमेश विश्वनाथ कट्टी ने बोम्बई सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और वन विभाग मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। सुबह की बड़ी खबर के अनुसार आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जी हां, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार को यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ऐसे पहले भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें विदेश मंत्रालय की दैनिक प्रेस वार्ता को संबोधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस अवकाश पर है। अतः 33 वर्षीय पटेल, जो कि कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, ने देश के विदेश नीति से जुड़े मामलों पर मंगलवार को मीडिया को संबोधित किया। एक बड़ी खबर के अनुसार राजस्थान के उदयपुर में रामरेवाड़ी जुलूस के दौरान मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बाईजूराज कुंड पर परिक्रमा के दौरान कुछ महिलाएं डूब गई। सूचना मिलते ही आनंद फानंद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। टीम ने 5 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं इस हादसे में एक महिला के डूबने से मौत हो गई है। बाईजूराज कुंड में और करीब आधा दर्जन महिलाओं के होने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा कुंड के पास वाली पट्टी के टूटने से वजह बताया जा रहा है। यह जानकारी जिलाधीश तारा चंद मीना ने दी है। मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश के राष्ट्रपति ने बुधवार को एक घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। 7 वर्ष पूर्व मंगोलिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही तोहफा मिला था। सिंह ने सफेद घोड़े की तस्वीर के साथ बुधवार को ट्वीट किया, मंगोलिया में मेरे खास दोस्तों की ओर से दिया गया विशेष उपहार। मैंने इस सुंदर घोड़े का नाम तेजस रखा है। राष्ट्रपति खुरेल सुख को धन्यवाद, मंगोलिया को धन्यवाद। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,379 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,72,241 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 50,594 रह गई है।
सुबह की बड़ी खबर के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने आज यानी बुधवार को देश भर में 100 जगहों पर छापा मारा है। आज आईटी ने छापे पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामले में की गई बताई जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीमें मौजूद है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मिड डे मील में कमाई करने वाले भी फिलहाल आईटी के राडार पर है। खबर पर विवरण आना बाकी है। कोरोना की दहशत कम होने के साथ ही लोगों ने भी राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं सिटी में विविध अस्पतालों में 141 मरीज भर्ती है, जबकि गंभीर हालात होने के कारण 14 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। सिटी में दिन भर में स्वाइन फ्लू के 4, ग्रामीण भागों में 1, जिले के बाहर 1 सहित कुल 6 मरीज मिले। इनके साथ ही अब तक सिटी में स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या 252 तक पहुंच गई है। वहीं ग्रामीण भाग में स्वाइन फ्लू बाधितों की संख्या 84 हो गई है। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की महत्वपूर्ण खबरें। खेल कूद के दौरान और व्यायाम के दौरान लगने वाली चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थरोस्कोपिस्ट उपलब्ध हैं। ऑर्थोबेस्ट क्लिनिक में 16 ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये सभी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। ऑर्थोबेस्ट आयुष्मान अस्पताल विंग पहली मंजिल श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स रामदासपेठ में स्थित है।